किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको व्हिपिंग क्रीम के बारे में बताएंगे। ये हमने ट्रोपोलाइट कंपनी की व्हिपिंग क्रीम ली है। हमने ये नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम है और ये प्रीमियम क्वालिटी की है, तो इसको जब आप बीट करोगे तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। और ये ट्रोपोलाइट कंपनी की इकोट्रोप क्रीम है। अगर आप ये मार्केट से लेके आते हो और उसी दिन आपको इसको यूज करना है तो आप इसको फिर फ्रिज में रखोगे तो चलेगा। अगर आप इसको बाद में यूज करना चाहते हैं तो आपको इसको फ्रीजर में रखना पड़ेगा, जिसमें हम आइसक्रीम और आइस जमाते हैं। आपको जब इसको यूज करना है तो आपको इसे फ्रीजर से निकाल कर 4-5 घंटे, जब तक कि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाए तब तक इसको मेल्ट होने देना है। उसके बाद ही आप इसको बीट कर सकते हैं। ये क्रीम आप जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उससे 7-8 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने इस पैकेट को नहीं खोला है तब आप इसको स्टोर करके 7-8 महीने रख सकते हैं। ये 1 किलोग्राम का पैकेट है। हमने इसको निकाल करके उसमें से हमने 250 ml क्रीम निकाल दिए और उसको एकदम लिक्विड फॉर्म में कर लिया है। उसके बाद हम इसको बीट करेंगे। सबसे पहले हम जो इसमें मिनिमम स्पीड है उस पर इसको बीट करेंगे। जब तक बीट करेंगे मिनिमम स्पीड पे कि ये हल्का सा फूल नहीं जाए। ये वीडियो हमने आज इसलिए अपलोड किया है कि कितने ही जनों को व्हिप क्रीम के साथ प्रॉब्लम होती है। उनका स्पंज तो बन जाता है पर जब वो व्हिप क्रीम व्हिप करते हैं तब इनको थोड़ी दिक्कत आती है। व्हिप क्रीम व्हिप भी हो जाती है पर जब केक के ऊपर अप्लाई करते तब वह मेल्ट होने लग जाती है। और ये वीडियो हम स्पेशली अंकिता जैन के कहने पर अपलोड कर रहे हैं। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट करी थी कि आप ये वीडियो व्हिपिंग क्रीम का बना के बताएं। और एक और मेरी फ्रेंड है बरखा, उसने भी रिक्वेस्ट करी थी कि आप इसका वीडियो अपलोड करो। अगर आपको ट्रोपोलाइट कंपनी की व्हिपिंग क्रीम नहीं मिलती है तो आप दूसरी किसी भी कंपनी की व्हिपिंग क्रीम यूज कर सकते हैं। जब ये थोड़ा फ्लफी होने लग जाए, व्हिप क्रीम थोड़ी फूलने लग जाए तो हम धीरे धीरे करके इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। और आपको जब भी केक बनाना है तो आप व्हिपिंग क्रीम को निकाल के फ्रीजर में से उसको फ्रीज में रख दें तो फ्रीज में रखने के बाद भी वो मेल्ट हो जाएगी। अगर एक दिन पहले आप निकालते हो तो आप इसको फिर फ्रीज में रख सकते हैं। और आपको इस व्हिपिंग क्रीम को एयरटाइट डिब्बे में रखना है। आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही आप क्रीम को व्हिप करें। सारी क्रीम को व्हिप करने के बाद आप उसको 1-2 दिन से ज़्यादा स्टोर करके आप उसे नहीं रख सकते हैं। ये अपनी क्रीम थोड़ी फ्लफी होने लगी, थोड़ी अच्छे से फूलने लगी, थोड़ी थिक हो गई है। तो अब हम इसकी थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाते हुए हम इसे व्हिप करेंगे। आज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वो ट्रिक आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा। जब आप कभी भी फ्रीजर में से क्रीम को निकालें और आपको अगर ऐसा लगे कि आप पूरा पैकेट यूज नहीं कर सकते हैं तो आप सबसे पहले उस कवर को कट करके बड़े नाइफ की सहायता से जितनी आपको क्रीम यूज करनी है उसको कट कर लें। और बची हुई क्रीम को आप एयर टाइट डिब्बे में भर के फ्रीजर में रख दें और जो क्रीम आपको यूज करनी है उसको आप बाहर निकाल के रख दें। अगर उसको 3-4 घंटे के अंदर यूज करनी है तो आप बाहर निकाल दें और अगर ज़्यादा देर बाद यूज करनी है तो आप उसको दूसरे डिब्बे में डाल के फ्रीज में रख दें। तो क्या होगा कि आपकी जो दूसरी क्रीम है वो वेस्ट नहीं होगी। ये तरीका मैं अपने घर पर भी यूज करती हूँ। ये अपनी क्रीम अच्छे से फूल गई है। हमने बीच में इसकी स्पीड बढ़ाते हुए हमने इसको व्हिप किया था। अपनी ये क्रीम काफ़ी थिक हो गई है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। हम इसको एक बार अच्छे से स्पून की सहायता से इसको हिला देंगे और फिर थोड़ी सी क्रीम लेके हम उसको ऊपर से गिरा के देखेंगे। अगर ये गिरती है तो अभी हमें इसको थोड़ा सा और फेंटने की ज़रूरत है, तो हमें इसको थोड़ा सा और फेंटना पड़ेगा। हमें क्रीम को ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है, वरना जो आप केक के ऊपर अप्लाई करोगे तो वो
अच्छे से चिपकेगी नहीं और केक के क्रम उसके साथ आ जाएंगे। और अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो आप केक के ऊपर जब इसको अप्लाई करोगे तो मेल्ट होके गिरने लगेगी। हमने 250 ml क्रीम ली थी, उससे अपनी ये इतनी व्हिपिंग क्रीम तैयार हुई है। अब ये अपनी व्हिपिंग क्रीम तैयार हो गई है, हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए आप जिस भी बाउल में या बर्तन में इसको फेंटे उसको उल्टा करके देख ले, अगर क्रीम नहीं गिर रही है तो अपने ये व्हिपिंग क्रीम तैयार हो गई है। अब अपनी ये क्रीम नहीं गिर रही है तो अपनी ये क्रीम तैयार हो गई है। आप जब कभी भी केक के ऊपर क्रीम अप्लाई करें तो आपकी क्रीम एकदम चिल होनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।